रेकी, हीलिंग, मेडिटेशन, एंजल थेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, थर्ड आई और कुंडलिनी रेकी जैसी 65 से भी ज़्यादा ऑल्टरनेटिव थेरेपी सीखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और साथ में लगे बेल आइकन पे ऑल प्रेस करें ताकि लगातार हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर बात करने जा रहे हैं क्रिस्टल्स की पावर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये क्रिस्टल की पावर कहाँ कहाँ आपको काम आती है, किस किस चीज़ में आप क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना काम बना सकते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने जाना था क्रिस्टल थेरेपी के बारे में, क्रिस्टल की साइंस के बारे में, क्रिस्टल होते क्या हैं। आज हम जानेंगे क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। दोस्तों, क्रिस्टल्स का इस्तेमाल आप बहुत सारी जगह कर सकते हैं। जैसे आप अपना ऑरा क्लीन करने के लिए क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका ऑरा से सारी नेगेटिव एनर्जी को क्रिस्टल निकाल देता है, आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है। दोस्तों, क्रिस्टल का इस्तेमाल आप प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हैं, सुरक्षा कवच के लिए, सेफ्टी के लिए आप कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप सेल्फ हीलिंग कर रहे होते हो तो आप क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकते हो, क्रिस्टल आप पहन सकते हो, अपने आसपास रख सकते हो, आपकी पॉकेट में भी क्रिस्टल हो तो आपको मदद करता है। दोस्तों, दूसरों की हीलिंग करते हुए आप क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, उसका ऑरा बॉडी चक्रा क्लीन कर सकते हो या उसकी बॉडी पे रख सकते हो, लगा सकते हो, क्रिस्टल हीलिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, वास्तु में क्रिस्टल बहुत यूज़ होते हैं। ये क्रिस्टल अलग अलग तरह के क्रिस्टल वास्तु में यूज़ होते हैं। अगर आप अपने घर पे क्रिस्टल्स रख दो, अलग अलग कोनों पे रख दो, तो आपकी घर की एनर्जीज़ को इन्हेंस करते हैं, घर का वास्तु दोष जो होता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है क्रिस्टल के होने से। दोस्तों, क्रिस्टल अपने पास रखने से या क्रिस्टल पहनने से आप एनर्जेटिक फील करते हो, आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। मान लो पहले आप 5 या 6 घंटे काम करने में थक जाते थे, तो क्रिस्टल पहनने से आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, आप 8 घंटे 9-10 घंटे काम कर सकते हो। दोस्तों, क्रिस्टल के इस्तेमाल से आप और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो। जैसे हम देखते हैं, हम में से बहुत सारे लोग बहुत बार नेगेटिव सोच रहे होते हैं, नेगेटिव बोल रहे होते हैं, नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा बात कर रहे होते हैं, नेगेटिव चीज़ों में फंसे होते हैं। क्रिस्टल पहनने से उनकी नेगेटिव थॉट्स निकलनी चालू हो जाती है, वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, क्रिस्टल की मदद से रिलेशनशिप को ठीक किया जा सकता है। जिनका रिलेशन सही नहीं है, उनको क्रिस्टल चार्ज करके दे दें, उनका रिलेशनशिप बेटर हो सकता है। दोस्तों, स्टडी के लिए, बच्चों की कंसंट्रेशन के लिए, माइंड के लिए, बुद्धि के लिए क्रिस्टल का इस्तेमाल होता है और बच्चों की बुद्धि का विकास किया जा सकता है क्रिस्टल से, उनकी कंसंट्रेशन फोकस को बढ़ाया जा सकता है क्रिस्टल से। दोस्तों, बिजनेस में क्रिस्टल मदद करता है। कई बार बिजनेस में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, तो क्रिस्टल की मदद से आप वहाँ की एनर्जीज़ को इन्हेंस कर सकते हो, उस लोगों की एनर्जी को इन्हेंस कर सकते हो। इवन कि क्रिस्टल अगर आपके आसपास है, आपने पहने हैं, तो नेगेटिव लोग आपके आसपास ज़्यादा देर टिक नहीं पाते, वो भाग जाते हैं, उनको अच्छा फील नहीं होता। पॉजिटिव लोग अट्रैक्ट होते हैं क्रिस्टल पहनने से, बिजनेस में ग्रोथ होती है। इसी तरह आपके जॉब का भी एनवायरनमेंट अच्छा होता है, जॉब में भी आपके आसपास जो बुरे लोग हैं, जो पॉलिटिक्स खेलते हैं, वो ज़्यादा आपके पास टिक नहीं पाएंगे, वो आपसे इरिटेट होंगे, भाग जाएंगे, दूर रहेंगे, तो आपके प्रति पॉलिटिक्स भी नहीं होगी। दोस्तों, इसके अलावा गॉड से या एंजल से या पॉजिटिव चीज़ों से कनेक्शन के लिए भी क्रिस्टल का इस्तेमाल होता है। ऐसे ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ कि नेगेटिव एनर्जी से दूर होती है, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एनर्जी से आप कनेक्ट होते हो क्रिस्टल की वजह से। क्रिस्टल की वजह से, क्रिस्टल के माध्यम से आप पानी को चार्ज कर सकते हो। दोस्तों, हम सभी जानते हैं हमारी बॉडी में मोर देन 70% वाटर है। अगर हम पानी को चार्ज करें, पानी को हील करें और पिएं, क्रिस्टल से चार्ज करें और पिएं, तो हमारी मैक्सिमम बीमारियां, मैक्सिमम प्रॉब्लम ठीक हो सकती है क्रिस्टल की मदद से। जी दोस्तों, क्रिस्टल की मदद से आप प्लांट्स को भी हील कर सकते हो, आप प्लांट्स को भी हीलिंग दे सकते हो, या आप प्लांट्स के वहाँ मिट्टी में अगर क्रिस्टल दबा दो तो उससे प्लांट्स को हेल्प मिलती है। दोस्तों, हमारे जो चक्रास होते हैं, क्रिस्टल्स की मदद से हम चक्रास को हील कर सकते हैं, चक्रास की एनर्जीज अच्छी कर सकते हैं। जैसे हमारा ऑरा बड़ा होता है क्रिस्टल्स की वजह से, ऐसे ही क्रिस्टल्स से हमारे चक्रास भी हील होते हैं। दोस्तों, आप अपने ऑफिस का वास्तु ठीक कर सकते हैं। अगर आपने अपने ऑफिस में क्रिस्टल रखे हुए हैं, तो आपके ऑफिस की एनर्जी इन्हेंस हो जाएगी, वहाँ नेगेटिव लोग आ नहीं पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे, वो जो भी गलत सोच वाले लोग हैं वो आपसे डील नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आपका जो व्हीकल है, जो आपकी बाइक है या गाड़ी है, जिसमें भी आप ट्रैवल करते हो, आप वहाँ पे भी कोई क्रिस्टल रख सकते हो, पुट कर सकते हो, चिपका सकते हो, उससे गाड़ी की एनर्जी अच्छी होती है, वो सेफ रहती है, एक्सीडेंट्स नहीं होते। दोस्तों, इसके अलावा
नेचर को हीलिंग करने के लिए आप क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे क्रिस्टल लगा दे तो उसकी हार्मफुल रेडिएशन आपकी तरफ नहीं आती, इवन की जो बिजली की चीज़ें हैं उसका कहा जाता है बिजली का बिल भी कम आता है। तो दोस्तों आप बहुत सारी जगह लगभग हर जगह क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकते हो। क्रिस्टल जहाँ पे भी पड़े हो, जहाँ पे भी हो, चाहे आपकी पॉकेट में हो या आपने पहने हो या आपके घर में हो या गाड़ी में या ऑफिस में, आपको फ़ायदा ही पहुँचाते हैं। बस थोड़ा सा हमें पता हो क्रिस्टल को क्लीन कैसे किया जाता है, चार्ज कैसे किया जाता है। वैसे तो बहुत सारी वीडियो में हमने ये सब बताया है, मगर आने वाली वीडियो में क्रिस्टल के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अपने क्वेश्चंस, और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन पे ऑल दबाएं ताकि सारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।